जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज है सोमवार का दिन 29 जनवरी, और जो अभी समय हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है सुबह का 2 बजे का। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अभी मैं घर आ गया हूँ, और घर क्यों आया हूँ वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। और जो हमारे साथी थे राघव जी, तो उनको भी कुछ काम था, और कल मंगलवार है तो कल वो मंदिर भी जाएंगे चंद्रहुआ धाम, क्योंकि वहाँ का कवरेज करते हैं वो। तो हम लोग घर आ गए थे, आपको पता है लास्ट ब्लॉग में हमने शीतला माता से सीधे होते हुए फिर ग्वालियर पहुँचने का तय किया था। तो इतने सुबह मैंने ब्लॉग स्टार्ट क्यों किया ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा, क्योंकि अभी मैं कहीं जाने वाला हूँ और हर मंडे को मैं वहाँ जाता हूँ। तो चलिए अभी मैं नहा धो लेता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो फाइनली दोस्तों नहा धो के रेडी हो गया। वो जो टाइम है वो 3 बजने वाला है, तो मैं जानबूझ के लेट हो गया क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा लेट चलते हैं। अब मैं कार को बाहर निकालता हूँ, कार से जा रहे हैं आज क्योंकि मेरी वाइफ भी साथ में जा रही है, तो कार से जाते हैं। और दूसरी बात, सर्दी भी रहती है सुबह सुबह, इस वजह से कार से जा रहे हैं। तो मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ। तो दोस्तों अब कार को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ी सी देर हो गई हमें। तो आरपीएम अभी आ ही है, 2 दिन के बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया है, क्योंकि ट्रिप पे था आपको पता ही है। थोड़ा सा आरपीएम डाउन जाने देते हैं, फिर गाड़ी को लेते हैं ब्रेक। फाइनली दोस्तों निकल चुके हैं, और जो टाइम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 3:09 हो गए हैं सुबह के, ऊपर आप देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो 10 मिनट लगेंगे दोस्तों पहुँचने में, अभी निकल पड़े हैं। आगे चल के मैं बताऊँगा कि जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि हर सोमवार को मैं जाता हूँ। बिल्कुल अभी रोड क्लियर है सुबह सुबह, और कोहरा भी कम है। अदरवाइज़ कोहरा काफ़ी ज़्यादा होता है, रोड तो खैर क्लियर मिलती ही है। तो थोड़ा सा हम एक जगह और जा रहे हैं, अपने फ्रेंड को भी लेंगे क्योंकि वो भी चलता है साथ में। तो अभी रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा दोस्त है वो आ रहा है, अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 5 मिनट के बाद निकलते फिर से, ऑलरेडी लेट हो गए। तो कहाँ जा रहे हैं ये आपको खुद ही पता चल जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, सुबह सुबह आपका भी मन खुश हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं अचलेश्वर महादेव मंदिर। तो हर मंडे को हम आते हैं, और अभी करते हैं हम अभिषेक। चलिए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। ओम नमः शिवाय। हम लोग तो सब झुक जाते हैं, पहुंच जाते हैं। छोड़ो छोड़ दो आप, और इतने में करंट आ जाएगा पूरा। जय गुरु महाराज। हाँ भाई सब डालो डास, अब हो गया खेल। हाँ चल गया भाई साहब, आराम से आराम। मध्य भी जरूर से डाली, पूरे साफ हो जाए। हाँ डाल। चलो 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 पानी। हाँ इतना लग ही नहीं पा रहा था इतने लोग। हो पार्वती पते हर हर महादेव। हो गया आनंद भगवान की जय। चलो गुरु कहाँ चलना। चलो माता। चलो भैया क्या हुआ। चलो भैया गणेश जी। चलो भैया मंदिर भगवान कर लेना भैया।
सही गल ऐसे आएगी ऐसे हो पार्वती पते हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इनको तो बोलते हैं मोनू बैल बकरी ले लो और इनको तो भैया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः हर शिवाय ओम नमः हरे सुतरा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव अचमारा मंडमारा मंडमारा रायो शिव मंडमारा रायो कपुरारे कपुरारे कपुरारा चंबतारे तो दोस्तों अभिषेक संपन्न हो गया है, अब थोड़ा और दर्शन कराता हूँ मैं आपको। तो उस तरफ चलते हैं श्री राम दरबार में। तो अभी पट खुल रहे हैं, वहाँ के पट खुल जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो अभी पट खुलना स्टार्ट हो गए हैं, सामने देखिए कितना शानदार राम दरबार है। अभी देखिए जल्दी से आप देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। जय श्री राम। बाकी के पट भी खुलेंगे धीरे धीरे। यहाँ श्री गणेश जी हैं, देखिए दर्शन कीजिए। यहाँ के भी पट खुलेंगे। माता रानी का मंदिर है ये। जय माता रानी की, दर्शन कर लीजिए। जय माँ जय माँ जय माँ। अब इस तरफ के और पट खुलने हैं। हनुमान जी का मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, और यहाँ के पट खुल रहे हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय हनुमान जी महाराज की। दर्शन कर लीजिए आप। अब यहाँ के भी पट खुल रहे हैं, श्री राधा कृष्ण जी हैं यहाँ पर। जय श्री राम जय श्री राधा कृष्ण जी की। और यह है मंदिर का प्रस्तावित मॉडल। तो मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो जब बन जाएगा उसके बाद ऐसा दिखेगा। तो अभी मैंने आपको दर्शन करा दिए, काफ़ी मोहक दृश्य है। फाइनली दोस्तों अब दर्शन कर लिए हैं, और अब जाएंगे यहाँ से, पास में गिरिराज जी का मंदिर है तो वहाँ भी जाएंगे। हाई कोर्ट पे दर्शन करने के बाद सीधे फिर घर पहुँचेंगे।
दोस्तों अभी आ गए हैं गिरिराज जी के मंदिर में, आपको दर्शन करा देते हैं। पट खुल चुके हैं, यहाँ से दर्शन कर लीजिए। अब यहाँ दर्शन करके हम निकलेंगे, गाड़ी रखी हुई है हमारी वहाँ। तो फाइनली दोस्तों दर्शन हो गए, अब घर चलेंगे। रास्ते में एक और मंदिर है हमारे यहाँ पर भोलेनाथ का, तो वहाँ भी दर्शन करेंगे। दोस्तों को उतार दिया है और उसके बाद सीधे घर पहुँचेंगे। तो अभी दोस्तों जो लास्ट मंदिर है शंकर जी का, वहाँ आ गए हम और दर्शन करते हैं, उसके बाद सीधे घर पहुँचते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने घर के पास में, जो शिवलिंग है वहाँ पर, शिव मंदिर है वहाँ पर। काफ़ी अद्भुत शिवलिंग है, आप देखिए कितना सुंदर है। और आज हमारी जो श्रीमती जी हैं वो भी हैं साथ में, हर सोमवार को आती हैं। यहाँ पर हनुमान जी भी हैं और गणेश जी भी हैं, और उस तरफ माता रानी है। और ये मंदिर काफ़ी पुराना था, पहले छोटा सा शिवलिंग था, अभी यहाँ पर नए शिवलिंग की स्थापना हुई है, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। यहाँ पर नंदी महाराज हैं, और जो प्राचीन मंदिर है केला मैया का मंदिर है ये, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों अभी आप दर्शन कर लीजिए माता रानी के, देखिए केला मैया का ये प्राचीन मंदिर है। नीचे भी अद्भुत आभा है, देखिए ये वो माँ, और सामने सरस्वती माँ का मंदिर बना रखा है, देखिए अच्छा आश्रम है ये, घर के पास में ही हमारे, तो कभी कभी आ जाते हैं हम यहाँ पर। ये जो मंदिर है पूरा नया जीर्णोद्धार होकर बनाया गया है, यहाँ के जो महाराज जी उनकी भी वहाँ पर समाधि बनी हुई है, अभी मैं आपको ले चलूँगा। और यहाँ पर है ये महाराज जी का स्थान, तो यहाँ पर भी शिव परिवार विराजमान है, आप देख पा रहे हो, ये महाराज जी है, इन्हीं का ये आश्रम है। तो अब तो दूसरे महाराज जी रहते हैं, ये तो है नहीं। काफ़ी अच्छा और प्राचीन मंदिर है, केला माता का और भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है। चलिए अब चलते हैं और सीधे घर निकलते हैं, और जो टाइम है वो 5:30 बज चुके हैं, हमारी गाड़ी रखी हुई है बाहर। दोस्तों घर चलते हैं, फाइनली सारे मंदिर दर्शन कर लिए हैं। आज सोमवार था, तो हर सोमवार को हम लोग आते हैं यहाँ पर और दर्शन करते हैं। तो फाइनली दोस्तों दर्शन करके आ चुके हैं घर पर, और अभी गाड़ी बाहर ही रखी है। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको अचलेश्वर महादेव के दर्शन कराए, गिरिराज जी के दर्शन कराए, और जो एक और भोलेनाथ का मंदिर था उनके दर्शन कराए। बाकी जो हनुमान यात्रा है दोस्तों वो भी जारी रहेगी, अब मंगलवार के बाद फिर से हमारी हनुमान यात्रा जारी रहेगी, क्योंकि मंगलवार को जो हमारे साथी हैं वो दंदरुआ धाम में कवर करेंगे, पूरा वीडियो वगैरह शूट करते हैं, तो उनको भी टाइम नहीं मिलता। और नेक्स्ट डे जो है हम फिर से निकलेंगे, तो आपको फिर से जो है यात्रा का अनुभव मिलता रहेगा। धन्यवाद।